और हमारा दुर्भाग्य कि हम शहीद स्मारक में कार्यक्रम नहीं कर पाए। ये मूक बना हुआ यहाँ का प्रशासन तो यहाँ के नेताओं की कठपुतली बन के बैठा है। इन्होंने मना नहीं किया, हमने परमिशन ली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जयवर्धन जी, हमने बाकायदा परमिशन ली, हमारे टेंट लग गए, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और मंत्री जी के ये बात गले से नहीं उतरी। ये जिला जिसमें प्रधानमंत्री जी जब हवाई अड्डे पे आए थे, जब मीटिंग करी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं झुंझुनू की मिट्टी को माथे से लगाने के लिए आया हूं। ये वो जिला जिसमें माननीय जगदीप जी धनखड़ जी के पहला दिन कार्यकाल के राज्यसभा में जब था, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसके लिए हमारे परम आदरणीय माननीय मोदी जी ने कहा था कि ये उस जिले से आते हैं जिस जिले में देश के लिए मर और मिटने के लिए तैयार रहते हैं, शहादत में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे जिले से आने वाले आदमियों को सलाम करता हूं। ये बात कहने वाले हमारे सबसे संवेदनशील प्रधानमंत्री दुनिया के, और इस जिले का दुर्भाग्य कि यह वंशवाद की राजनीति, एक ही परिवार ओड़ा परिवार जो 1957 में यहां से एमएलए बने, और उसके बाद मैं दो शब्दों में उनकी जीवनी आपको बताना चाहता हूं। ये जनता जानती है, 70 साल तक इस जिले को नहर के नाम पे ठगा गया, नहर की जगह कोई नाला भी नहीं बना 70 साल तक। एक ही मुद्दा, जब चुनाव आ जाते थे तो एक ही घोषणा होती थी कि सीताराम जी इस जिले में नहर लेके आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने परिवार के अलावा, वंशवाद के अलावा उन्हें कोई नहीं दिखा। अपने बेटे को यहां से एमएलए बनाया, 3 बार यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, लगातार 3 बार उनको चुनाव इस जनता ने हराए, और उसके बाद डमी टिकटें भर के कैसे कैसे नाटक राजनीति में, लोकतंत्र में देखने को इस जनता को मिले। अपने बेटे को 4थी बार जब यहाँ से एमएलए बने तो यहाँ के मुख्य अखबारों में छपा था कि अब की बार पप्पू पास हो गया। ऐसे आदमी को जिसको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी पुत्र वधु को जिला प्रमुख बनाया, अभी तो इनका पोता या चिड़ाव पंचायत समिति का प्रधान बनने के लिए आ गया, ये तो मैं बीच में आ गया, वरना वो 4थी पीढ़ी भी मूंग दलने के लिए हमारे ऊपर खड़ी हो जाती। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, 4 वर्ष हो गए यहाँ के मंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी का राज है, 2 बार यहां से मंत्री बन गए, 1 भी दिन, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसी शहीद की अंत्येष्टि में नहीं आए यहाँ के मंत्री जी, 1 भी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ की पूरी जनता तिरंगा यात्राएं निकलती है, नारों से गूंज उठता है पूरा झुंझुनू, लेकिन हमारे मंत्री जी ने कभी सुध नहीं ली, और 3 दिन से ये ताकत लगा रखी है कि ये प्रोग्राम शहीद स्मारक पे नहीं होना। इस बात के लिए कठपुतली बना हुआ ये प्रशासन बैठा है यहाँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठा प्रत्येक आदमी यहाँ जो विराजमान है, ये शहीदों के परिवार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी भी आजाद हिंद फौज में रहे, 2-2 गोलियां लगी, मेरी पंचायत के इतने आदमी यहाँ बैठे हैं। मेरे पिताजी भी कुछ समय आर्मर्ड कोर में रहे, 77 में इमरजेंसी में 17 महीने मेरे पिताजी ने जेल में बिताए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे शहीदों के जिले को, और उन बच्चों को जो शहीदों की रगों में इनके खून दौड़ता है, यहाँ की माताएं जब एक बेटा शहीद हो जाता है, 2-2 बेटे होते हैं, तो दूसरे बेटे को भी फौज में भेजना चाहती है। ये वीरांगनाएं अपने बच्चे को फौज में भर्ती कराना चाहती है। देश के लिए मर और मिटने के लिए यहाँ की जनता तैयार रहती है, ऐसी जनता को विकास के नाम पे सबसे पीछे के पायदान पे धकेलने का काम यहाँ के मंत्री जी ने किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मुख्य अखबार में छपा था कि हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनी है। इस बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात लिखना इसका बहुत महत्व है। सबसे ताकतवर देश जब ये लिखता है, इसका मतलब इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं बनी थी। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे,
जो सरहद पे दिवाली और होली मनाते हैं, जो सैनिकों के बीच में हर त्योहार मनाते हैं, जो हर वर्ग का, हर उम्र का, हर जाति समाज का ध्यान रखने वाले। आपने सुना होगा लाल किले से जब उन्होंने स्वच्छता की बात की, जब शौचालय की बात की, तो विपक्षी दलों ने मजाक बनाया था कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करता है, लेकिन हमारी माताओं बहनों को मान सम्मान देने का वो सपना साकार करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप G20 का अध्यक्षता देख लीजिए, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए पलक पावड़े बिछा के दुनिया के सारे ताकतवर देश के प्रतिनिधि खड़े रहते हैं। इससे पूर्व ये देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों को उनकी एयरपोर्टों पे कैसे चेकिंग होती थी, क्या क्या हमारे साथ नीचा दिखाने के लिए किया जाता था, ये बात आपने अखबार से, टेलीविजन के माध्यम से आपने देखी होगी।